जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक कुल 38 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3, मंत्री पद के लिए 4, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4 और कोषाध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशियों के साथ अन्य पदों सहित 38 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके संबंध में चुनाव कमेटी के चेयरमैन सूरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई है। 20 और 21 को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा 7 अप्रैल को नई कार्यकारिणी का मतदान एवं मतगणना किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन सूरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, को 7 अप्रैल को चुनाव सुनिश्चित है और नए लोग अपना जिनको जिस पद के लिए अपने को उचित समझ रहे हैं पर्चा दाखिला चल रहा है। आज पर्चा दाखिला का अंतिम दिन है, 3 बजे तक दाखिला चल रहा है। सर, अभी तक अध्यक्ष थे, आप तमाम समस्याओं को लेकर के आप संघर्ष भी किए हैं, क्या रह गई कमी की आपको लग रहा होगा कि अभी और चुनाव देर में होना चाहिए? देखिए, चुनाव का भारतीय लोकतंत्र में एक अपना महत्व है और चुनाव हमारी व्यवस्थाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार और विभिन्न संस्थाओं के उनके नियमों के अनुसार समय पर होते हैं और वो होते भी रहना चाहिए, लोकतंत्र का प्राण है। होते आए हैं, होते रहेंगे जब तक लोकतंत्र रहेगा। और हमारी व्यवस्था में चुनाव विलंब से हो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना काल के कारण चुनाव थोड़ा विलंबित हुआ, अन्यथा हम चुनाव से इसके पहले मुखातिब हुए होते और विलंब करने का कोई अन्य कारण नहीं। सर, क्या अभी तक रहा होगा आपकी उपलब्धियाँ क्या रहेंगी? देखिए, मैं इस संबंध में 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपको। एक तो बतौर अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेरा यह प्रयास रहा कि परिसर में न्यायिक प्रक्रियाएं बाधित न हों अनावश्यक रूप से। जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ लगेगा कि नहीं अब टाला नहीं जा सकता, वहाँ हम संघर्ष करेंगे, लेकिन छोटे मोटे बिंदुओं पर जिनका हल वार्ता से संभव है, ऐसे बिंदुओं पर हमने हमेशा टकराव को टालने का प्रयास किया, वार्ता से समस्या का समाधान निकाला। और मैं यह संतोष के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयासों में सफल रहा, एक बात। दूसरी बात यह है, आप वाकिफ हैं परिसर से, हमारे तमाम बंधु यत्र तत्र बैठते हैं, बैठने की कोई सुविधाजनक व्यवस्था नहीं थी। इसके निमित्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पर चर्चा हुई, बात किया और उन्होंने इस बात को समझा, हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और 9,08,48,000 रुपये की एक विराट धनराशि अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के हाल के निर्माण के लिए उन्होंने रिलीज किया है, जिसका शिलान्यास भी मैं समझता हूँ आप सबके सामने हो चुका है और शीघ्र ही वह कार्य शुरू होने जा रहा है। तीसरी बात यह थी जो मैंने अपने कार्यकाल में प्रयास किया कि हमारा जो एसोसिएशन है, निश्चित रूप से जहाँ चुनाव होते हैं मतभेद हुआ करते हैं, मुंडे मतिर्भिन्ना, लेकिन ये मतभेद
अपनी सीमा में रहें, उससे ऊपर न जा सकें और आपस में कहीं कोई आपसी टकराव या गुटबाजी इस तरह की बात न हो, इसका भी मैंने प्रयास किया और यह तो हमारे तमाम भाई बंधु बताएंगे कि इस प्रयास में मैं सफल रहा। और अंतिम बात, अधिवक्ता कल्याण निधि जो हमारी बड़ी पुरानी मांग है, उसको मैंने अपने हर मंच पर उठाने का काम किया और मुझे संतोष है, पूरा तो नहीं लेकिन दो कदम आगे मामला बढ़ा, शासन ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस बजट के दौरान अधिवक्ताओं के लिए आश्वासन तो जो दिया ही, अधिवक्ताओं के लिए फंड भी रिलीज किया। यद्यपि मैं मानता हूँ कि और जारी होना चाहिए, हमें मैच्योरिटी फंड जो है कल्याण निधि का वो कम से कम 10 लाख होना चाहिए, वो नहीं हुआ, फिर भी दो कदम आगे बढ़े और एक फंड रिलीज हुआ शासन से, ये हमारी प्रारंभिक विजय है और मुझे विश्वास है कि शासन हमारी बातों का जो जायज है उचित है संज्ञान लेते हुए इस पर आगे बढ़ेगा और हमारी मांगें पूरी होंगी। शुरू हो गया 18 और 19 को जो है वो नॉमिनेशन था, आज आखिरी दिन है और जो है कल और 22 तारीख को वो वापसी का दिन है और उसी दिन स्क्रूटिंग होगा और 7 अप्रैल को वो जो है तो वोट पड़ेगा, उसी दिन गिनती होगा, उसी दिन रिजल्ट आउट होगा। अध्यक्ष पद और दूसरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2 पद के लिए और फिर उपाध्यक्ष के लिए और उसके बाद ये कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2 पद के लिए और महामंत्री पद के लिए वह जो है एक कोषाध्यक्ष पद के लिए एक और संयुक्त महामंत्री प्रशासन के लिए एक और संयुक्त मंत्री पुस्तकालय के लिए एक पद और संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद हेतु एक और आखिर में वो कनिष्ठ कार्यकारिणी का 6 सदस्य होता है उसका चुनाव हो रहा है और सदस्य कार्यकारिणी जो है वह जो है वरिष्ठ वो भी 6 पद होता है उसके भी चुनाव हो रहा है।